बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रेप के आरोप में फंसे आसाराम के जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आज फिर जोधपुर कोर्ट ने आसाराम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है 25 अक्टूबर तक। आसाराम को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, जबकि नारायण साई के पास अब महज 12 घंटे का वक्त ही बचा है। उन्हें 36 घंटे का अल्टीमेटम सूरत पुलिस ने दिया था, जिसमें से 24 घंटे बीत चुके हैं, बचे हैं महज 12 घंटे। पुलिस ने नारायण साई को पेश होने के लिए नोटिस दिया है। सवाल यही कि बापू के बाद अब क्या बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। आसाराम के बेटे नारायण साई का जेल जाना लगभग तय माना जा रहा है। अगले 12 घंटे में नारायण साई की गिरफ्तारी हो सकती है। राकेश अस्थाना सूरत के कमिश्नर क्या कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। नारायण साई एंड आर यू वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू गेट होल्ड ऑफ हिम? प्रोबब्ली दैट वुड बी स्ट्रेटजिकली गुड फॉर यू, प्रोबब्ली आई सी समथिंग लाइक दैट। दीज आर ऑपरेशनल डिटेल्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। द ओनली थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू इज दैट ही इज अंडर द रडार एंड मूवमेंट्स आर चेक्ड, स्पेसिफिक डिटेल्स आर अवेटेड। ही इज ऑन द मूव कॉन्स्टेंटली एंड ही इज ट्राइंग टू अवॉइड, and he has given an advertisement yesterday in the local newspapers that he will be presenting himself before the investigating authorities for interrogation, which he has not done so far. So we are moving as per the law, an investigation is moving as a right correct speed, and we are supervising it effectively. So probably a very big, probably a very big question to you, how long for the final arrest, sir? I can't tell you. सुन रहे थे सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को, जिनका साफ कहना है कि ऑपरेशनल डिटेल्स बेशक हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन पहली बात कि नारायण साई लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपे हुए फिर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि कल, जैसे कि नारायण साई ने कुछ लोकल अखबारों में यह इश्तेहार दिया था कि वो भगोड़े नहीं है और वो कानून के हिसाब से वक्त पर सामने आएंगे। उनके वकील ने भी कहा था कि नारायण साई कहीं भागे नहीं है, वो हिंदुस्तान में ही है, क्योंकि इससे पहले खबरें आई थी कि बिहार के रास्ते काठमांडू भी चले गए हैं नारायण साई। तो नारायण साई के पास बचे महज 12 घंटे। पिता पहले से जोधपुर की सेंट्रल जेल में है और बेटे के खिलाफ काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सूरत पुलिस की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है नारायण साई की गिरफ्त में आने के लिए। और आइए आपको फिर से सुनाते हैं एक बार सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने क्या कुछ कहा। डिस्पाइट सर्विस ऑफ नोटिस, आज उनकी बेल पटिशन, एंटीसिपेटरी बेल पटिशन मूव करने की कोशिश है, ऐसी हमारी जानकारी है। हाई कोर्ट में भी क्वाशिंग पटिशन फाइल की गई है, उसकी डेट अभी नहीं पड़ी है। तो दोनों फ्रंट पे जो लीगल बैटल है उसको हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे प्रॉपरली, और जहाँ तक उनके हाजिर होने का सवाल है वो अब जो नेक्स्ट लीगल स्टेप है हम लोग लेंगे, और जब हम लेंगे तो आपको हम बता देंगे। सर, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट लीगल प्रोसीजर दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? विल इट बी अ लुकआउट नोटिस फॉर हिम एज वेल एज यू गोइंग मूविंग टू द कोर्ट टू टेक अ नॉन अवेलेबल वारंट अगेंस्ट नारायण साई, बिकॉज दैट्स अ प्रोसीजर दैट प्रोबब्ली सीम्स लीगलाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाट वुड यू से ऑन दैट? लुकआउट नोटिसेस हैव ऑलरेडी बीन इशूड। We have issued him a notice to appear before the IO. Both the steps we have taken. We have waited for his arrival, but instead of coming to the police for interrogation, he has applied for the anticipatory bail and has filed a quashing petition in the High Court. That is his legal right. Nothing questionable on that count. But so far as investigation is concerned, we will definitely take the next legal step as per law. Exactly, what will be this step, I will not be able to tell you on the camera. Sir, one more thing I want to know from you. You have been telling us all this while, but whenever we have met you or whenever we have interviewed you, that you have been monitoring his movement. Yes. Does that mean that Surat police know probably where Narayan sir is, and are you waiting for the right time to get hold of him? Probably that would be strategically good for you. Probably I say something like that. These are operational details which cannot be disclosed. The only thing which I want to tell you is that he is under the radar and movements are checked. Specific details are awaited. He is on the move constantly and he is trying to avoid
and he has given an advertisement yesterday in the local newspapers that he will be presenting himself before the investigating authorities for interrogation, which he has not done so far. So we are moving as per the law. An investigation is moving as a right, correct speed, and we are supervising it effectively. So probably a very big question to you. How long for the final arrest, sir? I can't. तो आप सुन रहे थे सूरत के पुलिस कमिश्नर को, जिनका कहना है कि कानून के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ संकेत पाठक जुड़ रहे हैं सूरत से। संकेत, 6 पुलिस टीमें बनाई गई थी, अब तक क्या पुलिस टीम को सुराग मिला है कि आखिर नारायण साईं कहां है? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरत पुलिस ने नारायण साईं को जो नोटिस भेजा था उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। ऐसे में सूरत पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि वो नारायण साईं के खिलाफ कोर्ट में मूव करेंगे, यानी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट या फिर गिरफ्तारी वारंट लेने की कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सूरत पुलिस कमिश्नर ने यह भी साफ किया है कि नारायण साईं के हर मूवमेंट पर उनकी नजर है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि आखिर नारायण साईं कहां छिपे हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी में फिलहाल देर हो रही है। कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन भी फाइल करने वाले हैं नारायण साईं के वकील, और उसके बाद ही जो सूरत पुलिस है वो ये फैसला लेगी कि आखिर आगे का उनका एक्शन क्या होगा। लेकिन सूरत पुलिस ने यह साफ किया है कि नारायण साईं का जो मूवमेंट है उन्हें उसके बारे में जानकारी मिली है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी संभव होगी। जी, यानी संकेत, क्या अगर 12 घंटे के अंदर नारायण साईं पहुंच जाते हैं सूरत पुलिस के पास तो पूछताछ होगी, या फिर नारायण साईं के खिलाफ अगर पुलिस अरेस्ट वारंट इशू करती है तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? संकेत, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नारायण साईं कहां है? सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि उन्हें पल पल की जानकारी है कि नारायण साईं आकर कहां छिपे हुए हैं। वो फिलहाल एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।